आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज भिवंडी के रामेश्वरी मंदिर की। जी हां, भिवंडी की शांतता को भंग करने की कोशिश की जा रही है और माहौल उस वक्त बिगड़ता संभल गया जब दोनों गुटों के लोग आमने सामने आकर नाराबाजी शुरू कर दी। लेकिन कुमारवाड़ा पुलिस के कड़क एक्शन से इस मामले को वहीं शांत कर दिया गया और लोगों को शांतिपूर्वक अपने अपने घर जाने की सलाह दी गई, जिसके बाद दोनों गुट अपने अपने ठिकाने वापस लौट गए। इसमें मुबारकबाद के मुस्तैक वो दोनों गुटों के लोग भी हैं जो शांतिपूर्वक थे और उन्होंने अपने अपने गुटों के लोगों को समझा बुझा कर घर वापस भेजने में कामयाबी हासिल की। अब खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि का त्यौहार है और इस त्यौहार के आने से पहले ही भिवंडी के रामेश्वरी मंदिर में 8 रोज पहले से ही अलग अलग तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। और हम आपको बता दें कि ये रामेश्वरी मंदिर का ये जो प्रोग्राम है आज से नहीं बल्कि 50 साल से भी ज्यादा वर्षों से मनाया जा रहा है। इस मंदिर के चारों तरफ मुसलमानों की घनी आबादी है मगर आज तक वहाँ का माहौल नहीं बिगड़ा। मगर इस बार मंदिर में जब रात में भजन कीर्तन शुरू हुआ था तो किसी नामालूम शख्स ने मंदिर के अहाते में पत्थर फेंका, जिसके बाद अचानक माहौल गर्म हो गया और मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे लोग नाराजगी जाहिर करते हुए कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी भी की और जय श्री राम के नारे लगाए। इस नारे की गूंज से वहां बिल्डिंगों में देर रात गए सोए हुए लोग अचानक जाग गए और वहीं मुकाम में रहते हुए कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होकर लोगों ने भी नारेबाजी का जवाब नारे से देने शुरू कर दिया, जिसके बाद माहौल और गर्माता हुआ नजर आया। लेकिन कुमारवाड़ा पुलिस ने फौरन एक्शन में आई और इसने फौरन दोनों गुटों को लोगों को समझा बुझा कर अपने अपने घरों को वापस जाने की सलाह दी, जिसके बाद बिगड़ता हुआ माहौल शांत हो गया और मंदिर के ट्रस्टियों ने कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। मौके पे जो कुमारवाड़ा पुलिस के लोग थे वो रामेश्वरी मंदिर जाकर माहौल का जायजा लिया उन्होंने और फेंके गए पत्थर को जब्त कर लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करने के बाद वो ये जांच में जुट गई है कि आखिर पत्थर आया तो कहां से आया, किसने फेंका, क्यों फेंका और सारी टीटी सीसीटीवी के जो फुटेज है वो खंगाले जाएंगे और मुजरिम को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। इस मौके पर हमने ट्रस्टी से बात करने की कोशिश की और उन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनकी। नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पुलिस को उसमें रहने का कस्टडी है। आपने भिवंडी से गए?
दादा ये बताइए, आज जो रामचंद्र मंदिर के पास जो घटना हुई है, क्या उसका पूरा डिटेल है जरा बताइए। आप बोलो। यहाँ पर मंदिर के ट्रस्टी भी है दोनों। पांडवकालीन मंदिर है भिवंडी में, रामेश्वर मंदिर जो है पांडवकालीन मंदिर है। गत 60 वर्षों से वहाँ पे अखंड हरिनाम सप्ताह होता है। ये साल का सप्ताह कल से चालू हो गया, आज दूसरा दिन है। तो कल के पहले दिन में रात में 9:45 के समय पे एक चुन्नी सेट करके बाजू का स्लैब पे जाने का रास्ता है, वहाँ चुन्नी सेट के बिल्डिंग के इधर से एक पत्थर आया और कार्यक्रम में आयोजक जो लोग वहाँ पे आए होते श्रोता लोगों को, उसमें से दो महिलाओं को पत्थर लगा। वो घटना पुलिस स्टेशन में फोन करके अपन ने सब बता दी थी। आज 3 तारीख को वापस वही घटना 9:30 के दरमियान कथा चालू थी और ये सब बाजू के जो मोहल्ला देखा जाएगा तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। वापस ये कार्यक्रम में 9:30 एक पत्थर आया और आज भी एक महिलाओं को लगा पत्थर। ये दोनों दिन की घटना, कल की भी और आज की भी घटना जो ट्रस्टी है भाई साहब दोनों, रोशन जी और खामकर जी, भूषण जी और खामकर जी दोनों को ये घटना बताई थी। आज सब ट्रस्टी के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय जो कार्यक्रम में आए लोगों ने निर्णय लिया कि इस तरह की घटना अपन पुलिस स्टेशन में ये घटना बता के और गुनाह दाखिल करके उस पर आगे पुलिस को भी छानबीन करने को मार्ग मोकला हो जाएगा उसमें। और दूसरी बात, जो घटना रिकॉर्ड पे आने के बाद, जो इसके पहले भी 1-2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी लेकिन उसके लिए घटना रिकॉर्ड पे आई नहीं थी, आज ये घटना रिकॉर्ड पे आई है। पुलिस ने भी बोला है कि हम उधर की CCTV छानबीन कर लेंगे और जो भी कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसने किसने देखा नहीं उसको मारते रहें, लेकिन वहाँ पे CCTV लगी है, वहाँ पे कुछ लोगों को पूछताछ करके आज गुनाह दाखिल हुआ है तो उसकी प्रोसीजर चालू हो जाएगी, छानबीन चालू हो जाएगी। और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब आए थे कुंभार साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया यहाँ के लोगों सब आए लोगों को कि जल्द से जल्द वो आरोपी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे पहले मैं रामेश्वर मंदिर का ट्रस्टी होने के नाते इस घटना की निंदा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसा कि जहाँ हमारा मंदिर है, पिछले 58 साल से हमारा मंदिर का सप्ताह चलता है, कभी इसके पहले 2 साल पहले भी एक बार ऐसी वारदात हुई थी, मगर अब की बार जो हुआ है ये एक कल भी हुई है पहले दिन और आज भी दूसरे दिन सेम ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे तो कल कहीं ना कहीं वापस इसको बढ़ावा मिल जाएगा, कुछ और एक्शन हो सकता है। तो उसके वजह से हमने पुलिस को जानकारी देना बेहतर समझा और उसके ऊपर कुंभार साहब ने हमको आश्वासित किया है कि वो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वो आदमी को ढूंढ के उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। भूषण जी बताइए कि 58 साल से ये चलता आ रहा है, 2 साल को छोड़कर कभी 58 साल से इस तरह की घटना हुई नहीं, इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई थी, मगर अब की बार धार्मिक प्रोग्राम में, धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डालने के हेतु से डाला है या क्या हिसाब से डाला है वो उसका पूरा तहकीकात पुलिस करेगी और हमको योग्य ये मिलेगा, न्याय मिलेगा, हम ये आशा करते हैं पुलिस। क्या आपको क्या शंका लगती है कि क्या ऐसा हुआ होगा, कुछ आपको ऐसा शंका है किसी पर कि किसी ने ऐसा जानबूझ के किया होगा, माहौल को खराब करने के लिए किया होगा, शांति भंग करने के लिए किया होगा, या कोई ऐसा शक जिसको मंदिर से कुछ नाराजगी उसने किया होगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो देखो, अगर अनजाने में कोई करता है तो एक बार करेगा, दूसरी बार तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि अनजाने में तो नहीं किया है उसने, जानबूझकर किया हुआ कोशिश है ये। और जिस हिसाब से जो बड़े बड़े पत्थर मिले हैं तो ऐसा तो लगता नहीं है कि वो पत्थर कोई बच्चा फेंका हो, क्योंकि बच्चा पत्थर बहुत बड़े बड़े नहीं, पत्थर बाकायदा वहाँ पे पत्थर है ही नहीं, जो फेंका गया है वो ईंट का टुकड़ा है और उस दीवार के उस तरफ अगर आप जाके देखोगे एक सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे ईंट के टुकड़े आपको पुलिस ने भी देखा है और आप भी तहकीकात करके आप जाके देख सकते हो कि उसके बाजू में वहां पर वो जो ईंट के टुकड़े है वही मारे गए हुए।
आप लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे, आपका जो अमन अमान को शांति को कायम रखने के लिए क्या अमन क्या देना चाहोगे? सब जन मिलजुल के अब तक हमेशा सब जन एक दूसरे के साथ में रहे, इसी कदर आगे कुछ ऐसे चंद पागल लोगों के वजह से ये सब अपने में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब उन तमाम नौजवानों से आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं शांति की अपील करूँ। हमारा भी यही कहना है कि भिवंडी में पूरे देश भर में दंगे हुए थे 92 में, लेकिन भिवंडी में दंगा नहीं हुआ था। और मैं ऐसे ही भिवंडी के लोगों को मैं अपील करूंगा कि धार्मिक कार्यक्रम में अगर कोई बंदा ऐसा कर जाता है जिसकी जिहादी मानसिकता है, तो उसमें बाकी के समाज के लोगों ने या उनके और कोई समाज के लोगों ने ऐसी कुछ बातों को समर्थन नहीं देना चाहिए और ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए अपने बातों से। लेकिन अगर धार्मिक, ठीक है, इसका भी धर्म अपने लिए प्यारा होता है, ऐसी कुछ बातें होती है तो उसमें ऐसे बातों को तुरंत बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भले कोई हिंदू रहने दो या मुस्लिम रहने दो, उसने ऐसी बातों को अगर गलत बात हुई, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, उसने विघ्न डालने का प्रयास किया है, तो उसके समर्थन में लोग नहीं आना चाहिए, ऐसा हमको समझ में आता है। अभी जो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, वो हर साल कार्यक्रम में कुछ ना कुछ तो विघ्न लाने का काम वहाँ पे चलता है। आज वहाँ के जब कथा सुनने के लिए लोग आते हैं, बच्चे तो रोड पे रहते ही रहते हैं, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, कोई महिलाएं रहती है, जैसे कि देखा पुलिस स्टेशन के सामने जहाँ पे एसीपी साहब बैठते हैं, वहाँ के पूर्व विभाग के एसीपी साहब बैठते हैं, उसके ठीक सामने दीवार से लगे हुए झोपड़पट्टी वो वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है, उसको पिछली बार निकाला गया था, फिर वापस उन्होंने वही जगह पे लगा दिया है। मतलब कोई उसके ऊपर कोई ना पुलिस का कुछ ये है और ना महानगर पालिका का कुछ आश्वासन है, उससे हटना चाहिए। हाँ, हटना चाहिए। देखिए, मैं एक और मांग करूंगा पुलिस प्रशासन से और एक मांग करूंगा, अगर ऐसी घटना वारंवार होती रही और पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन अगर नहीं लिया, 2 दिन का समय दिया है और 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी आंदोलन में ये जो घटना को आंदोलन करेंगे हम लोग, आगे अगर ऐसी घटना बढ़ते गई तो पुलिस का खुफिया विभाग, वहाँ का कार्यक्रम, जैसे कि मिक्स बस्ती में, मिश्र बस्ती में जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है, वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम को अगर पुलिस के जो लोग है अगर उसको ध्यान नहीं देते, बंदोबस्त बराबर नहीं देते, तो जो आज घटना हुई, हम समझदार लोग थे, सब ट्रस्टी समझदार थे कि हमने पुलिस को संपर्क किया और वो तुरंत चले आए, और अगर ऐसी घटना होते रही है और फिर कितने दिन समझदारी दिखाएंगे, तो उधर फिर 2 हाथ पाए पे उतर जाएंगे लोग। तो मैं प्रशासन को ऐसा चेतावनी देता हूँ कि ऐसे घटनाओं को विशेष ध्यान दे, पुलिस का विभाग सतर्क रहे इसमें, और ऐसी घटना के जो मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर ढूंढ के निकाल के उचित कार्रवाई करें।